कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, अभी मुझे ना अपने आप को रोकना पड़ेगा, नहीं तो फिर पता नहीं आप लोग सोचोगे कि कुछ लोग, मैं बस यही कहना चाहूंगी आपको कि ये आपके साथ भी होते हैं तो उनको ना थोड़ा ना बचा भी रखना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम ना फैमिली नहीं समझ पाती है कि यार तुम्हें जरूरी कि जरूरी नहीं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ तो किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। लेकिन हाँ, जब मैंने दूसरा बेबी अपना जब कंसीव किया हुआ था जनवरी में, तो गाइस आज मैं कोई ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई और मेरा मिसकैरेज कैसे हुआ था, फर्स्ट वाला मिसकैरेज मेरा, फर्स्ट मेरा बेबी कैसे, मतलब मिसकैरेज हमने क्यों कराया था, क्या रीज़न रहा था, चलते हैं इसी वीडियो को। मैं अपने लाइफ जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बात करने वाली हूँ, कुछ आपको बताने वाली हूँ। ये मेरी बेटी है जो कि मेरी 3 ईयर की हो गई है। चौथी आई, कहाँ से आई, कोई बात नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा नोटी है। और ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, वीडियो को भी लाइक करना, क्योंकि हर वो उस फीमेल के लिए ये वीडियो ज़रूरी है जिसकी नई शादी होती है और फर्स्ट बेबी जो कंसीव होता है वो हो जाता है मिसकैरेज, और वो क्यों हो जाता है। तो मैं इसीलिए मैंने ये अपना वीडियो बनाया हुआ है, मुझे लगा क्यों ना मेरे साथ जो हुआ है और चलते हैं उसके लिए, मुझे जाना पड़ेगा कितनी 3 साल पीछे जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या मैंने कैसे कैसे मैंने झेला है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मिसकैरेज मेरा कैसे हुआ, पहला बेबी मेरा क्यों आखिर में डॉक्टर ने बोल दिया अब तो इसको हटाना है, और हो गया था कितना 3.5 महीने का हो गया था, जब तक बेबी इस टाइम ना फुल कंप्लीट बन जाता है गाइस, आप लोगों को पता होगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस जैसे कि मार्च में मेरी शादी हुई थी और मेरा बेबी मैंने जो कंसीव किया हुआ था फर्स्ट वाला बेबी, और फर्स्ट बेबी को ज़्यादातर बोलते हैं कि बेबी बॉय ज़्यादा चांसेस रहते हैं बेबी बॉय के, और तभी मैं पूजा करके बैठी हुई हूँ। तो मैं सोचा वीडियो एक ब्लॉग वीडियो मुझे स्टार्ट करना था अपनी लाइफ के ऊपर, और वही मैं शूट कर रही हूँ। लाइक जरूर कर दी देना, क्योंकि हर वो फीमेल के लिए ज़रूरत वाला ये वीडियो है जो मैं बना रही हूँ आगे। तो जैसे कि मेरी शादी हुई थी, मुझे 3 महीने बाद मुझे बेबी फर्स्ट कंसीव हुआ था, मैंने कंसीव किया हुआ था, और मुझे अबॉर्शन कराना पड़ा। क्यों आखिर ऐसी क्या मतलब दिक्कत आ गई थी बेबी में, और ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण मुझे अपना फर्स्ट बेबी, अपनी जो कहते हैं ना प्यार की निशानी, उसको मुझे हटवाना ही पड़ा, उसको निकलवाने के सिवा और कुछ भी नहीं ऑप्शन था मेरा। तो डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था क्योंकि अब इस बेबी का कुछ नहीं हो सकता, इसको हटवानी पड़ेगा, क्योंकि हर वो फीमेल वो गलतियां करती हैं स्टार्ट में जो मैंने की हुई थी, और वो गलतियां होती हैं गाइस, जैसे कि फर्स्ट था बेबी तो इतना कुछ समझ भी नहीं आता और इतने कुछ भी नॉलेज भी नहीं थी, और मेरी ईयर भी उस टाइम पर 21 ईयर थी तो ज़्यादा समझ भी नहीं थी। और हाँ कि एक बार अगर ये सब हो जाता ना तो आगे जो भी मतलब जैसे बेबी कंसीव वगैरह होते हैं तो उसमें काफ़ी मतलब नॉलेज आ जाती है, बट उस टाइम मैंने क्या फील किया था, मुझे क्या हुआ था, कैसे मैं उस टाइम ना मैं सोचती हूँ तो इतना रोना आता गाइस, इतना रोना आता मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग जैसे कि कपल्स, हम दो ही लोग रहते थे रूम में, है ना, मैं और मेरी हस्बैंड, जैसे कि हस्बैंड चले जाते थे ऑफिस, मैं घर पर अकेली रहती थी, और जैसे कि फैमिली वगैरह रहती है लेकिन ऑनडाउन में रहती हुई थी उस टाइम भी। और जैसे कि अब मैं आपको बता रही हूँ अपनी जो मेरा मैंने कंसीव किया हुआ था मई जून में, है ना, मई और जून के आधा बीच में आप हिसाब लगा सकते हो, ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त, तो ऐसे 3.5 महीने हो गए थे। और जैसे कि मैं ज़्यादा कोई डॉक्टर नहीं तो हूँ नहीं, तो मैं डॉक्टरनी के हिसाब से बताऊँगी, मैं अपने हिसाब से बताऊंगी जो मैंने एक्चुअल में महसूस किया था। तो गाइस जैसे कि वहाँ उस टाइम ना समर का मौसम हो रखा था, गर्मियों का, और गर्मियों का मौसम था उस टाइम, जैसे कि मेरा रूम ना वन बीएच भी नहीं बोलेंगे, सिंगल एक रूम था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम ना जैसे कि पर्सनल कंडीशन भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, और हालांकि जैसे कि सब कुछ ठीक भी था लेकिन उतना नहीं था जितना कि अब भगवान की कृपा से है सब कुछ,
तो जैसे कि अब मैं बता रही हूँ वो उस वो वाला टाइम जब मैंने, जैसे कि आपको पता नहीं होगा, पता है तो अच्छी बात है, मैं रहती हूँ नोएडा में, नोएडा दिल्ली NCR में आता है अब। और जैसे कि वो घड़ी ना सोचती हूँ ना तो क्या बताऊँ मैं। तो गाइस अब मैं आती हूँ अपने इम्पोर्टेंट बात पर। जैसे कि मैंने चेकअप वगैरह सब कुछ करा दिए थे, और जैसे कि चेकअप करा दिए थे, डॉक्टर ने को भी दिखा दिया था, और जब डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट और ये सारे टेस्ट वगैरह कर लेती हैं, उसके बाद करती हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में क्या है ना, बेबी की हार्ट बीट नहीं आ रही थी, और हार्ट बीट ना बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी मेरे फर्स्ट बेबी की। और फिर जैसे कि डॉक्टर ने दोबारा भी बुलाया था 15-20 दिन बाद, तो उसके बाद जैसे कि उसमें भी हार्ट बीट नहीं आ रही थी। और उसके जैसे कि मैं डॉक्टर ने को दिखा के आई ना, उसके बाद मुझे 1-2 दिन बाद ना मुझे ना ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई। और मैंने ना कुछ खान पीन में भी दिक्कत, जैसे कि नहीं पता होता नए नए लोगों को, मैं जैसे कि कॉफ़ी वगैरह मन हुआ वो खा ली, वो पी ली कॉफ़ी वगैरह, और जैसे कि लिमका बिट, मैं जैसे कि मैंने बताया हुआ है समर का टाइम था उस टाइम, तो समर में कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पी जाती है, तो मैंने भी पी ली थी उस टाइम लिमका। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड वगैरह आए हुए थे, मुझे अच्छे से याद है, फ्रेंड आए हुए थे तो पार्टी वार्टी हुई थी थोड़ी बहुत, जैसे कि चाय नाश्ता, चाय तो नहीं हुई थी लेकिन हाँ वो क्या बोलते हैं, ठंडा ज़्यादा चलता है ना, ठंडा हुआ, समोसे हुए, नमकीन स्नैक, यही सब हुआ था। तो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए उस टाइम पे, और उस टाइम मुझे इतना कुछ भी नहीं, जो मन हुआ वो खा लिया, जो मन किया वो मतलब मंगा के खा लिया, ऐसा वैसा मैं करती रहती थी। और मुझे जैसे कि एक होता है, कुछ लोग मानते होंगे और कुछ लोग नहीं मानते हैं, और मुझे जैसे कि मुझे ना रात में, अगर मुझे ना उस टाइम पे फर्स्ट बेबी पे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, शुरू शुरू में बहुत इतनी नींद आती थी मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सुबह अगर मैं नहाने के बाद अगर मैं सुबह जैसे नहीं नहाई हूँ और नहाने के बाद नाश्ता करके कुछ पेट में गया है और बस नींद आ जाती थी और फिर मैं सो जाती थी, फिर मैं जब उठती थी काम वाम थोड़ा बहुत करती थी, फिर मैं उसके बाद कुछ खाया फिर कुछ सो गई, क्योंकि उस रूम में ना धूप भी नहीं आती थी तो मुझे दिन रात ना पता नहीं चल पाते थे, पहली बात तो ये है। और मैं ना अच्छे से मुझे ना नींद नहीं आ पाती थी, सोती थी मैं लेकिन ना डर जाती थी, जैसे कि उसको बोलते हैं बाहरी हवा हुई, या जैसे कि भूत प्रेत होता ना, आप लोग कुछ जानते होंगे कुछ नहीं मानते होंगे, जान के भी नहीं मानते होंगे। एक्चुअली मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम थी, एक तो बेबी की हार्ट बीट नहीं आ रही थी, दूसरी मैंने एक दो चीज़ें ऐसी खा ली थी, जैसे कि मुझे अच्छे से याद है मैंने लिमका पी हुई थी, वो मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान की हुई होगी उस टाइम पे। और दूसरी तीसरी चीज़ मुझे इतने डरावने, मतलब इतने डरावने, जैसे कि मेरी बेबी को कोई मारने वाला है, और मुझे इतने बुरे बुरे सपने आते थे कि मेरा बेबी अब नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, अंदर ही कोई ऐसे चाकू मार रहा, कोई कुछ ऐसे करके भूत प्रेत वाले मुझे सपने भी आते थे उस टाइम पे। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला, मेरी मम्मी ने बोला कि जब आप लेटा करो ना तो चप्पल वगैरह माचिस चाकू ये सब रख लिया करो। मैं ये भी सब कुछ रखती थी लेकिन फिर भी मुझे जो हस्बैंड तो चले जाते थे ऑफिस, मैं दिन में अकेली रहती थी तो मुझे ये सब भी लगता था, इतने सपने आते थे। मैंने अपनी सास को भी बताया था बट उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। जब मैंने अपने फर्स्ट बेबी को खो दिया था ना तो उस टाइम मैं क्या ही बताऊँ, इतने रोई कि अभी भी मेरी आँखों में ना हल्के हल्के आंसू झलक रहे होंगे, आपको नहीं पता है चल पा रहा हो, लेकिन हाँ मेरे हंसते हुए चेहरे के पीछे ना कई सारे राज हैं, आपको सब कुछ इसी वीडियो में नहीं बता सकती मैं। तो जैसे कि अब मैं, जब मैंने डॉक्टर ने बोल दिया ब्लीडिंग आना स्टार्ट होगी, डॉक्टर ने मुझे ये बोल दिया कि अब इस बच्चे का कोई कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो बच्चा रुक ही नहीं पाएगा क्योंकि हार्ट बीट भी नहीं, ब्लीडिंग भी। और मैं डॉक्टर ने से ये कह रही थी क्योंकि और भी फीमेल आती थी ना अपने, जैसे कि प्रेगनेंट ही आती थी उनके पास ज़्यादातर, क्योंकि वो प्रेगनेंट को ही देखती थी है ना। तो मैं भी चाह रही थी कि मेरा फर्स्ट बेबी अच्छे से हो जाए, और जैसे सबके मतलब होते हैं वैसे मेरा भी हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। और
कोई ऑप्शन ही नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आ जाना शाम को आ जाना या फिर कल आ जाना मॉर्निंग में अबॉर्शन होगा। तो फर्स्ट टाइम पे अबॉर्शन, फर्स्ट टाइम पे ये बेबी, और रात भर मैं इतना रोई। उस टाइम ना उस खाना पीना कुछ नहीं बनाता, क्योंकि घर में ना खुशियाँ नहीं रहती हैं, अच्छा नहीं लगता ना। तो मेरी पड़ोस में जो रहती थी, मिली नाम था उनका, बहुत ही अच्छी नेचर की थी, बंगाल की थी, और उन्होंने उनके यहाँ बनी हुई थी राजमा की सब्ज़ी, और मुझे अच्छी लगती, लेकिन हम लोग ना कम ही खाते हैं राजमा की सब्ज़ी, कभी कभार खा लेते हैं। तो गाइस जैसे कि वो सब्ज़ी खाई नहीं किसी ने नहीं, क्योंकि घर में ये सब था, और उनको मैंने बताया भी नहीं था कि मेरे साथ अभी ये मतलब ये सब चल रहा है, क्योंकि हम लोग परदेश में रहते हैं तो सब कुछ शेयर नहीं करते हैं हर किसी के साथ। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में बुला लिया था डॉक्टर ने, बोल दिया था कि सुबह चाय बिस्किट आप कुछ भी ले सकते हो और अबॉर्शन के लिए आ जाना। उस टाइम मुझे इतना, मैं क्या बताऊँ, इतना बुरा लग रहा था। मैं शायद अभी वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, अभी मुझे ना अपने आप को रोकना पड़ेगा, नहीं तो फिर पता नहीं आप लोग सोचोगे कि कुछ लोग। मैं बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि अगर आपकी न्यू शादी होती है, अगर आप अकेले रहते हो, तो प्लीज़ खान पान का थोड़ा ध्यान रखिए, और अगर आपके साथ भी यही मेरे साथ जो सेम हुई थी प्रॉब्लम, अगर आपके साथ भी होती है तो उनको ना थोड़ा ने बचा भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम ना फैमिली नहीं समझ पाती है कि एक्चुअल में ज़रूरी नहीं कि उनके साथ नहीं ऐसा हुआ तो किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। लेकिन हाँ, जब मैंने दूसरा बेबी अपना जब कंसीव किया हुआ था जनवरी 2019 में किया हुआ था, तो उस टाइम मेरी सास ने भी, क्योंकि पहला बेबी तो मैंने खो दिया था उस टाइम, क्योंकि तब उन्होंने सुना ही नहीं था किसी ने कि कुछ उसको बोलते हैं कुछ ताबीज वगैरह पहन लो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो मेरे ससुराल में किसी को शायद दिक्कत नहीं हुई होगी, इसलिए उन्होंने नहीं सोचा होगा, लेकिन दूसरे अनान्या जब मेरी आई हुई थी, कंसीव मैंने किया हुआ था, तो उस टाइम उन्होंने ताबीज वगैरह पहनवा दिया था और आराम से नॉर्मल डिलीवरी मेरी हो गई थी। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी, और आगे की स्टोरी मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। प्लीज़ इस वीडियो को खूब लाइक करिएगा, खूब सपोर्ट करिएगा, खूब प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी।